शुक्रवार को इमामवाड़ा पुलिस थाना अंतर्गत एक 20 वर्षीय युवक और 15 वर्षीय नाबालिग द्वारा मामूली विवाद के चलते एक 24 वर्षीय युवक पर हमला करने का मामला सामने आया है, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने भानवी की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार नागपुर का रहने वाला 24 साल का विकास चरणलाल सोनावनी अपने दोस्त रामभाव गिरेडकर के साथ घर के पास खड़ा था। उस दौरान एक 20 वर्षीय युवक और 15 वर्षीय नाबालिग ने फिरियादी के साथ गाली गलौज करना शुरू कर दिया, जिसका विरोध जब फिरियादी ने किया तब आरोपियों ने शिकायतकर्ता के सिर पर लकड़ी की छड़ी से मारा और गंभीर चोटें पहुंचाई। इस बारे में पुलिस निरीक्षक शुभांगी देशमुख ने अधिक जानकारी साझा की। विकास चरणलाल सोनावणे ते त्यांच्या मित्रासोबत पांठल्यावर उभे असताना त्यांच्या वस्तीतलेच ऋतिक राठोड आणि विधी संघर्ष बालक त्या पांठल्यावर आले आणि त्या दोघांनी फिर्यादीला विनाकारण शिवीगाळ करायला चालू केली। त्यावर फिर्यादी यांनी का शिवीगाळ करता असं विचारलं असता आरोपी राठोड आणि त्याच्यासोबतचा विधी संघर्ष बालक यांनी दोघांनी मिळून त्याला मारहाण केलेली आहे आणि लाकडी दंड्याने डोक्यावर मारलं, त्याच्यात त्याला गंभीर जखम झाली आणि त्याच्यावरनं हा गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे। आरोपी कोर्टाकडून विधी संघर्ष बालकाला त्याच दिवशी ताब्यात घेण्यात आलं होतं, कायदेशीर पूर्तता करून त्याला त्याच्या पालकांच्या ताब्यात देण्यात आलेलं आहे। राठोड हा जो ऋतिक राठोड हा जो आरोपी आहे हा अजून फरार आहे, त्याचा शोध चालू आहे। पुलिस ने इस मामले में शिकायतकर्ता की शिकायत दर्ज की है और इस मामले में आगे की जांच की जा रही है। कैमरा पर्सन माइकल के साथ दिशा हटवार, BC News नागपुर।